हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आप सबकी डिमांड पर लेके आए हैं आधे लीटर दूध की चाय बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। साथ ही आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूले। सबसे पहले हम एक टोप में आधे लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। कुछ इस प्रकार से पानी गर्म हो चुका है, आधे लीटर दूध को भी हम ऐड कर देंगे। आधे लीटर दूध को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर को भी ऐड कर देंगे। चाय पत्ती और शक्कर ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 मिनट के पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम साइड में थोड़े से अदरक को ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस प्रकार से कूट लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं अदरक अच्छी तरह से कूट के तैयार हो चुका है। 2 मिनट चाय को पकाने के बाद अब हम इसमें कूटी हुई अदरक को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि अदरक का स्वाद आपकी चाय में उभर के और आपको चाय पीने में और भी मज़ा आए। लगभग 1 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपकी चाय का कलर काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है। अब हम इसे लगभग और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि आपका चाय अच्छे से पक जाए और आपको पीने में और भी मज़ा आए। लगभग 4 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपका चाय बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे छन्नी की सहायता से कुछ इस प्रकार से छान लेंगे। चाय को अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम चाय को कुछ इस प्रकार से उल्टी पलटी कर लेंगे। अब हम इसे ग्लास में निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपकी आधी लीटर दूध की चाय बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। साथ ही आप यहाँ पे कप भी गिन सकते हैं आपकी आधे लीटर दूध में कितनी चाय बनके तैयार हो चुकी है। अगर रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप भी अपने घर पर या ऑफिस में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें आपको आज की हमारी चाय की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।